नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम अपना पिछला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे थे जनरल एक्सेप्शंस पार्ट वन, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू, जिसमें हम सेक्शन 22 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 22 बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई एक्ट कमिट किया है और उस कमीशन के दौरान उसे ये नहीं पता कि उस एक्ट का नेचर क्या है, या फिर वो कोई ऑफेंस है, या फिर वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, क्योंकि वो अनसाउंड है या फिर उसका जो माइंड है वो उस चीज़ को समझने के लिए केपेबल नहीं है, तो उस केस में उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसका एक बहुत फेमस केस है मैकनॉटन्स केस। इस केस में होता यह है कि मैकनॉटन एक मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा होता है, जिसे बोला जाता है डिल्यूजन। वो चीज़ें इमेजिन करता है और उसे ऐसा लगता है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसके बैड लक का कारण है और वो उन्हें हार्म करना चाहते हैं। इस वजह से उसे कई लोगों में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नज़र आता है। तो एक दिन लिटरली वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर समझकर गोली मार देता है। जब केस चलता है तो कोर्ट उन्हें सेक्शन नंबर 22 का बेनिफिट देकर छोड़ देती है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल केस बनता है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को आप इस सेक्शन का बेनिफिट देकर छोड़ सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता था। तो कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट के बीच में डिस्टिंक्शन दिया, जो कि था मेडिकल इंसेनिटी और लीगल इंसेनिटी। मेडिकल इंसेनिटी टोटली डिपेंडेंट होती है मेडिकल ग्राउंड्स पर। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मेडिकल डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसे बोला जाएगा कि वो मेडिकली इंसेन है। वहीं दूसरी ओर लीगल इंसेनिटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है लीगल ग्राउंड्स पर, मतलब ऐसी इंसेनिटी जिसे कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सके। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मेडिकली इंसेन व्यक्ति हो तो लीगली इंसेन भी उसे माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीरियल किलर्स की बात करें तो सीरियल किलर्स जो होते हैं वो कई बार किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र करते हैं, कोई मेडिकल इलनेस होती है या फिर उन्हें कोई ट्रॉमा होता है, लेकिन उन्हें पनिश किया जाता है। इसका कारण ये है कि दे नो द नेचर एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द ऑफेंस दे आर कमिटिंग। उन्हें पता है कि उस एक्ट का नेचर क्या है, वो गलत है, तभी वो उसे लॉ से छुपाने की, पुलिस वालों से छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका मतलब दे नो दैट द एक्ट दे आर कमिटिंग इज रॉन्ग, इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसे पता ही नहीं है कि वो क्या कमिट कर रहा है, ही डजेंट नो द नेचर ऑफ द ऑफेंस, केवल उस व्यक्ति को ही लीगली इंसेन माना जा सकता है। इंडियन लॉ टोटली डिपेंडेंट है मैकनॉटन्स केस पर और हमारे यहाँ जितने भी केसेस आते हैं रिलेटेड टू अनसाउंडनेस, उसमें इसी केस के प्रिंसिपल्स लागू किए जाते हैं। इनसेनिटी से रिलेटेड एक और केस लॉ है, जो कि डरहम वर्सेस यूएसए 1954 का केस था। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि हर केस में मेडिकल इंसेनिटी का बेनिफिट देना पॉसिबल नहीं है। ये तभी होगा जब जो एक्ट कमिट किया गया है और जो मेंटल कंडीशन है उसका कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि जो एक्ट आपने किया और जो आपकी मेडिकल कंडीशन है उसका कनेक्शन है और आपने उसी वजह से उस एक्ट को कमिट किया है। ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि कई बार लोग इनसेनिटी का बेनिफिट लेकर के इंटेंशनली भी कोई एक्ट कमिट कर देते थे और इस सेक्शन के थ्रू बच जाते थे, तो ऐसा ना हो इस वजह से डरहम रूल क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन है एन एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। लेकिन जहां पर इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री है, मतलब आपकी विल या आपके नॉलेज के अगेंस्ट में अगर आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है, चाहे वो किसी भी मीडियम से किया गया हो, थ्रू एनी इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस जो आपने खा पी लिया हो या फिर कुछ इंजेक्ट कर दिया गया हो, कुछ सुंघा दिया गया हो, ऐसी केस में अगर आपकी इच्छा, दैट मीन्स विल या नॉलेज के बगैर आपको खिलाया गया और उसकी वजह से इंटॉक्सिकेटेड हो गए और आपने उस दौरान कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उस केस में आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन इस सेक्शन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब बिकॉज ऑफ दैट इंटॉक्सिकेशन आप उस एक्ट के नेचर और उस सर्कमस्टेंसेस को समझने में असमर्थ हो गए
वहीं दूसरी ओर इसके आगे का सेक्शन नंबर 24 बोलता है कि अगर आपका इंटॉक्सिकेशन वॉलेंट्री है तो ये समझा जाएगा कि आपको आपका नॉलेज था और आपका इंटेंशन था अगर उस दौरान आपने कोई भी एक्ट कमिट किया। बेसिकली वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के केस में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है और आपको पता है कि आप इंटॉक्सिकेटेड होने के बाद कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां तक नॉलेज की बात है तो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का नॉलेज वही कंसीडर किया जाएगा जो कि एक सोबर पर्सन का कंसीडर किया जाना चाहिए, लेकिन जहां तक इंटेंट की बात है तो उसे उस केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही जज किया जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट केस इज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, 1920 का केस है। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स दिए थे जिस पर ये ड्रंकननेस का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नंबर वन, ये बोला गया है कि ड्रंकननेस आप एज अ डिफेंस एज एन एक्सेप्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस क्लेम में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट बिकॉज ऑफ दैट इंटॉक्सिकेशन जो कि एडमिनिस्टर किया गया था आपके विल के अगेंस्ट, उसकी वजह से आप उस एक्ट का नेचर या सर्कमस्टेंस जज करने में असमर्थ थे, और केवल ये दिखा देना कि उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से आपका माइंड सही नहीं था या आप प्रोवोकेट हो गए थे जिस वजह से आपने कोई एक्ट ज़्यादा इंटेंसिटी से कर दिया, सिर्फ ऐसा पोल देना यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं दिलवा पाएगा। आपको ये प्रॉपरली प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस एक्ट का नेचर समझने में असमर्थ थे, प्लस आपका जो इंटॉक्सिकेशन था वो वॉलेंट्री नहीं था। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जो कि है कंसेंट। सो कंसेंट से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 25 से लेकर 30 तक, और जहाँ पर कंसेंट की बात आती है तो एक मैक्सिम हमेशा बोली जाती है वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, विच मीन्स एन एक्ट कंसेंटेड इज नॉट एक्शनेबल। अगर आपने किसी चीज़ की कंसेंट दी है उसकी वजह से कोई हार्म हो गया तो आपको उस चीज़ के लिए कोर्ट कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 25 बात करता है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अगर ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं किया गया है या पता नहीं है कि इससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो उस केस में अगर वहां पर वो चीज़ कंसेंट से हुई है तो कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं या कोई भी गेम्स खेले जाते हैं जिसमें किसी का भी इंटेंशन या किसी को पता भी नहीं हो सकता कि इससे डेथ हो सकती है, बट कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर हो जाता है जिससे किसी की डेथ कॉज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फिल ह्यूज का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बाउंसर लगी उन्हें गले पर और उनकी डेथ हो गई, तो इस केस में यहाँ पर बॉलर के ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता है क्योंकि वो इस एक्सेप्शन के अंडर में आएंगे। यहाँ पर उनका ना इंटेंट था ना नॉलेज था कि डेथ कॉज हो सकती है, इट वॉज जस्ट अ गेम, और डेथ कॉज हो गई तो यहाँ पर उन्हें सेक्शन 25 का बेनिफिट मिल जाएगा और उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए और जो भी एक्ट हो वो गुड फेथ में हो, कोई भी इंटेंशन या नॉलेज नहीं होता है यहाँ पर किसी की डेथ कॉज करने का। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 26। अगेन यहाँ पर पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है जहाँ पर इंटेंशन नहीं है उसकी डेथ कॉज करने का या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, पर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है जितने भी डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशंस करते हैं जिसमें जान का खतरा रहता है, उन सभी को इसी सेक्शन के तहत प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी ऐसा वो ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे बाईपास सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरीज होती हैं जिसमें रिस्क ऑफ लाइफ होता ही है, लेकिन वहाँ पर उनका इंटेंशन होता है पेशेंट को सेव करना, तो ऐसे केस में उन्हें कोई भी ऑफेंस से पनिश नहीं किया जाए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 27 जो बात करता है किसी बच्चे या अनसाउंड पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया जाना जिसकी कंसेंट उन्होंने नहीं बल्कि उनके गार्डियन ने दी है। ऑफ कोर्स बिकॉज अनसाउंड माइंड या चाइल्ड अपने लिए कंसेंट नहीं दे सकते हैं, तो अगर उनके गार्डियन ने कोई भी कंसेंट दी हुई है तो उस केस में अगर उन्हें कोई भी हार्म होता है तो उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो 12 ईयर्स से अंडर होगा अगर वो चाइल्ड है या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन हो सकता है। जो भी एक्ट किया जाएगा वो गुड फेथ में होना चाहिए है, यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के हार्म का, और यहाँ पर कंसेंट होनी चाहिए गार्डियन की चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। अगर कोई भी इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ का रिस्क है या इंटेंशनल ग्रीवियस हर्ट है तो उस केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस सेक्शन में जितने भी टीचर्स हैं जो डिसिप्लिन के लिए कई बार बच्चों को छोटी मोटी पनिशमेंट्स देते हैं उन्हें सेफ किया जाता है,
और दूसरी चीज़, अगर कोई भी ऑपरेशन है, बच्चे का कोई ट्रीटमेंट होना है जिसके लिए कंसेंट उनके पेरेंट्स देते हैं, अगर उस वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ पर अगेन डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर बेसिकली उन सिचुएशंस की बात हो रही है जहाँ पर जो विक्टिम है वो या तो अनसाउंड माइंड का पर्सन है या फिर चाइल्ड है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 28। ये बात करता है ऐसी कंसेंट की जो किसी फियर या मिसकंसेप्शन के द्वारा दी गई है। कहने का मतलब यहाँ पर विक्टिम ने कंसेंट सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि वो किसी फियर में है, किसी डर में है या फिर मिसकंसेप्शन में है, उसने किसी चीज़ को गलत समझा है, मिसअंडरस्टूड किया है। तो उस केस में अगर उसने कोई भी कंसेंट दी है तो वो एक वैलिड कंसेंट नहीं है, तो वो एक वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी क्योंकि कंसेंट को हमेशा फ्री और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके साथ में ही अगर कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसकी दी हुई कंसेंट को भी एक वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता क्योंकि उस केस में कंसेंट देने का राइट उनके गार्डियन के पास में है। इसके साथ साथ ऐसा कोई पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, ऐसा कोई पर्सन जो इंटॉक्सिकेटेड है, मेंटल इलनेस से सफर करता है, तो उस केस में भी उसकी दी हुई कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें जो दशरथ पासवान थे वो अपना हाई स्कूल का एग्जाम पास नहीं कर पाए थे थर्ड अटेम्प्ट में भी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुसाइड करेंगे। जब उन्होंने अपना ये डिसीजन अपनी वाइफ को बताया तो उन्होंने बोला कि वो भी उनके साथ में मरना चाहते हैं। तो इस केस में उन्होंने बोला कि आप पहले मुझे मार दीजिए, वाइफ ने बोला कि पहले आप मुझे मार दीजिए उसके बाद आप सुसाइड कर लीजिएगा। तो दशरथ पासवान ने वाइफ को तो मार दिया लेकिन जब वो खुद फांसी पर लटकने वाले थे तो लोगों ने उन्हें रोक लिया। तो यहां पर बोला गया कि जो कंसेंट वाइफ ने दी थी वो कंसेंट मिसकंसेप्शन में दी थी, इस मिसकंसेप्शन में कि दशरथ पासवान भी उसके बाद सुसाइड कर लेंगे, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। तो इस केस में यहां पर जो दशरथ पासवान है उन्हें अपनी वाइफ के मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था। सेक्शन 29 बात करता है ऐसे एक्ट्स की जो अपने आप में ऑफेंसेस हैं, तो उस केस में भले कंसेंट हो चाहे ना हो उसे ऑफेंस ही कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अबॉर्शन इज लीगल इन इंडिया। अगर कोई वुमेन जाती है और अपनी कंसेंट से भी अबॉर्शन कराती है तो केवल इस वजह से, क्योंकि उसने अपनी कंसेंट दी है और वो अबॉर्शन कराना चाहती है, इस वजह से अबॉर्शन के लिए उसे सेक्शन 25, 26 या 27 का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा क्योंकि अबॉर्शन अपने आप में ही ऑफेंस है। चाहे कंसेंट हो तो भी वो ऑफेंस है, चाहे कंसेंट ना हो तो भी वो ऑफेंस है। तो इस केस में याद रखिएगा ये जो तीनों सेक्शन है 25, 26, 27 वो ऐसे केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद सेक्शन 30 आता है, ऐसा सेक्शन है जो कि बिना कंसेंट के भी अगर कोई एक्ट किया गया है फॉर द पर्सन बेनिफिट उसे भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि अगर कोई आप डॉक्टर हैं और आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसको वहाँ पे हार्ट अटैक आया और उसे इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। यू आर अ डॉक्टर एंड बीइंग अ डॉक्टर आपने उसे ट्रीट करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। वो व्यक्ति अकेले ट्रेवल कर रहा था, उसके बिहाफ पे कोई कंसेंट नहीं दे सकता था एंड ही वॉज अनकॉन्शियस, तो वो खुद भी कंसेंट नहीं दे सकता था। तो इस केस में आपने अगर कुछ भी किया टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ और उस केस में भले उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं थी क्योंकि सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे क्योंकि वहां पर वो खुद कंसेंट दे नहीं सकता था, तो इस केस में अगर कुछ भी होता है तो वहां पर आपको कोई भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये सेक्शन ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो अगर किसी के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के भी, तो भी उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 30। अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया जाता है और उस कम्युनिकेशन की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस पर्सन को किसी भी ऑफेंस से पनिश नहीं किया जाएगा। ये बोलता है सेक्शन नंबर 31। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी डॉक्टर ने अपने पेशेंट को बताया कि आपकी रिपोर्ट्स आई हैं और उनके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय है, उसके बाद आपकी डेथ होने के पूरे चांसेस हैं, और उस बात को सुनकर ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर डॉक्टर को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि वो गुड फेथ में पेशेंट को बता रहा था कि आपको ये डिसीज हो गया है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 32, जो बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को कंपेल किया गया है बाय थ्रेट्स, डरा धमका कर कोई एक्ट करवाया जा रहा है, तो उस केस में उसे किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके दो मेन एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, अगर आप किसी की डेथ कॉज करने के लिए बोल रहे हो ब्लैकमेल करके और वो व्यक्ति डेथ कॉज कर देता है डर कर,
थ्रेट में आकर डर कर वो डेथ कॉज कर देता है, तो इस चीज पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा, मतलब वहां पर उसे पनिशमेंट होगी, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है विच इज एन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, इंडिया के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस है उस केस में, और अगर वो ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज डेथ पेनल्टी, तो वहां पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि यहां पर आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने किसी की जान ले ली, नंबर वन, अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके लिए जो कि अगेंस्ट स्टेट है और जिसमें मैक्सिमम जिसमें डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट गिवन है, तो उस केस में ये वाले सेक्शन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है जो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल मारे जाने या पीटे जाने के डर से गैंग ऑफ डकेट्स यानी डाकुओं की टोली ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में अगर बाद में चल के वो कोई ऑफेंस करता है और वो ये बोलता है कि उसने डर की वजह से ज्वाइन किया था या जो कुछ भी है, तो फिर उसे इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई एक व्यक्ति है जो डाकुओं द्वारा धमकाए जाने पर किसी गेट का लॉक तोड़ देता है, तो उसे इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 33, जो बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो कि है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, विच मीन्स लॉ डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू ट्रिफलिंग एक्ट। अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसका इफेक्ट बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटा है, माइन्यूट है, फॉर एग्जाम्पल किसी की माचिस की तीली लेकर के अगर किसी ने कुछ जला लिया या माचिस की तीली किसी ने चुरा ली, तो उस केस में उसे किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉ के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स में टाइम देने के लिए है, तो इतने छोटे मामलों को कोर्ट जनरली नहीं लेता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पार्ट 3 में। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।